हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोडा क्लासेज ऑफिशियली बैंकिंग चैनल। आप सभी को पता ही है कि हमारी टीम ने फ्री ऑफ कॉस्ट बैंकिंग क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के तहत इसको आगे ले जाने का इनिशिएटिव मैं भी कर रहा हूं। इसी के तहत मैं क्या लेके आऊं आपके लिए, DI लेके आया हूं, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपके प्री में एक अहम रोल निभाता है, जिसके नंबर आपके काउंट होते हैं। मेंस के लिए भी DI आते हैं, बट आज मैं जो DI लेके आया हूं वो क्या है, प्री लेवल का केसलेट DI है। ठीक है जी, आप सभी ने ये तस्वीर देख चुके हो। मैं अमन और मेरे साथ रोहित सर और सुधीर सर बैंकिंग के लिए फ्री इनिशिएटिव कोर्स लेके आए हैं आपके लिए। तो हमारी एक शाम को भी क्लास होती है, उसकी टाइमिंग क्या है, शाम को 6:30 से 7:30, और इंग्लिश की क्लास कब होगी, 8 से 9, और GK की क्लास कब होगी, 9 से 10 होगी। ठीक है, तो भाई अपना पहला DI क्या है, केसलेट DI है। उसी के तहत केसलेट मतलब एक आपको पैसेज मिलेगा, उस पैसेज में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन के तहत आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले केसलेट DI पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आपने इस क्वेश्चन में नंबर लेने हैं तो। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी सी आपको अप्रोच चाहिए होती है कि क्या क्या पॉइंट दिए और क्या क्या हमने निकालने। इस DI को लॉजिकल DI मतलब छोटा बहुत लॉजिक होता है, उसको सॉल्व करते जाना होता है और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है। तो पहले क्या है, इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दी हुई हमारे पास केसलेट DI में। ये DI है, मैंने ये DI हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है, मैंने जो DI है ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रखा है, बट मोस्टली बच्चे इस जो मैक्वांट होता है बैंकिंग में वो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। हिंदी के लिए भी मैंने ये चीज़ रखी है, हिंदी के लिए भी अलग से लैंग्वेज है और इंग्लिश भी लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम इसको आपको पढ़ देना, जब आपको टाइम लगे इसको क्वेश्चन को पढ़ देना। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं क्या लिखा हूँ, क्वेश्चन लिखा हूँ इंग्लिश में, सेम क्वेश्चन अपना इंग्लिश में लिखा हो, इसको हम पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। इन अ स्कूल देयर आर 800 स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 800 बच्चे हैं। ई स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट अमंग मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। मतलब एक स्कूल में 800 बच्चे हैं और वो 5 सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, और हर एक ही बच्चा एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, कोई भी एक बच्चा 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर, मतलब कह रहे हैं जो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड है वो 60 ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, वो केमिस्ट्री से। अगर केमिस्ट्री में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, मान लो केमिस्ट्री में कोई XY जितने बच्चे पढ़ते हैं, तो जो कंप्यूटर है उसमें 60 बच्चे केमिस्ट्री से ज्यादा पढ़ते हैं। 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मतलब जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट का 20% है। ये इंफॉर्मेशन हमको मिल गई। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री इज 120 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मतलब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश वाले स्टूडेंट से 120 कम है। The number of students who are interested in English, 150% of the number of students who are interested in mathematics, क्या कह रहा है, जो English में student है वो 150% है mathematics के students का। अब इसके तहत अपने पास 5 question होंगे, इसको solve करते हैं। तो पहले एक छोटा सा table बनेगा, वो बनाते हैं। table क्या है, total students कितने बताए थे भाई, 800, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, एक हमारे पास डायरेक्ट इंफॉर्मेशन थी क्या भी, टोटल स्टूडेंट के 20% स्टूडेंट वो क्या हैं, टोटल स्टूडेंट के 20% स्टूडेंट कौन से हैं, टोटल स्टूडेंट के 20% मतलब 800 का 20% मतलब 1/5 हिस्सा, 800 के 1/5 हिस्सा क्या है, 160, मतलब 20% स्टूडेंट क्या थे, 160 थे। आपको ये लाइन पता होगा, पढ़ी थी हमने, 20% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ, मतलब जो टोटल स्टूडेंट का 20% है वो कितने हैं, 160 हैं। कंप्यूटर, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, और उसके बाद में लाइन कहा था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर
इंटरेस्टेड इन इंग्लिश इज 150% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ मैथ, मतलब जो इंग्लिश में स्टूडेंट है, जो किस में स्टूडेंट है, इंग्लिश में स्टूडेंट है, वो मैथ पढ़ने वालों के, जो इंग्लिश में स्टूडेंट है, जो मैथ पढ़ने वालों के 150%, मतलब अगर मैथ में 100 स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में कितने, 150, इनका रेशियो लेंगे 3:2, ओके, तो मतलब क्या हुआ, 3 बच्चे इंग्लिश में हैं, 2 बच्चे मैथ में, बट एक्चुअली 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 160, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को 160 से डिवाइड करें कितनी आ जाएगी, 80, और इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, 80 × 3, 240 बच्चे किस में आ जाएंगे, इंग्लिश में आ जाएंगे। नेक्स्ट उसने एक लाइन बोली थी ये वाली, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री इज 120 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मतलब जितने बच्चे इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें से 120 कम बच्चे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब जितने इंग्लिश में है उसमें से 120 कम करो, वो क्या होंगे, केमिस्ट्री होंगे, मतलब केमिस्ट्री में कितने हो गए, 120 हो गए, 240 में से जब हम 120 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 120, तो केमिस्ट्री में कितने आ गए, 120, फिजिक्स में कितने हैं, फिजिक्स में देखेंगे, बट यहां पे एक फर्स्ट लाइन थी वो क्या थी, प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्या थी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर इज 60 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, मतलब जो कंप्यूटर में स्टूडेंट हैं वो केमिस्ट्री से 60 ज्यादा हैं, कंप्यूटर केमिस्ट्री में कितने, 120, तो कंप्यूटर में कितने हो जाएंगे, 180। अब आपको पता भी टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे पास, 800 गिवन है ये, जब हम इनका सम करेंगे यहाँ पे तो फिजिक्स के तो अभी हमारे पास आए नहीं, और जब हम इनका ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 240 और 160 400, 180 और 120 कितना हो गया, 700, इनका टोटल तो कितना हो रहा है, 700 प्लस एक्स, अगर जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, तो फिजिक्स में कितने स्टूडेंट आ गए, 100, तो फिजिक्स में कितने स्टूडेंट आ गए, 100, तो हमारा जो डीआई था वो अब क्या है, सॉल्व हो चुका है, बस अब इससे रिलेटेड हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इसके लिए हुए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है, अब हमारे पास प्रॉपर हो गया, अभी क्या क्या पूछा है, क्या क्या बताया है उसने, उसके तहत जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन कौन सा है, इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथ में कितने स्टूडेंट थे, 160, मैथ में कितने थे, 160, एंड 75% ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, मैथ में 160 थे, इंग्लिश में कितने थे, 240, हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश आर गर्ल स्टूडेंट, मतलब मैथ के 20% स्टूडेंट गर्ल हैं और इंग्लिश के 75% स्टूडेंट क्या है, गर्ल, व्हाट इज द कंबाइंड नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मीन टू से ओके, मैथ में अगर बॉय और गर्ल की बात करूं तो गर्ल 20% है, बॉय कितने होंगे, 80%, रेशो क्या आ जाएगा, 4:1, मतलब 4:1 आ गया, 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 160, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, और इसमें बॉय कितने आ जाएंगे, 4 × 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128, ओके, अब इंग्लिश में 75% तो क्या है, 75% क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश में 75% क्या है, गर्ल्स हैं, तो 25% क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, 25% की फ्रैक्शन को पता है 1/4, तो 240 के 1/4 निकालें कितना आ जाएगा, 60, तो नंबर ऑफ बॉय इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्या होंगे, 60 + 128, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 28 + 60 कितने हो जाएंगे, 188, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए, 188, इंफॉर्मेशन के तहत ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, विदाउट वो टेबल बनाए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 188, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन के आगे, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में हमने कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड निकाले थे, फिजिक्स में कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड निकाले थे, वो कितने थे, 100, देख सकते हो जाके, तो फिजिक्स में कितने निकाले थे, 100 निकाले थे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 100, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन इजी आता है, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में थोड़ा इवैल्यूएशन करना था, मतलब वैल्यूज निकालनी थी, इस क्वेश्चन में सिर्फ सीधा मान लो क्या कहते हैं जीके में स्टैटिक, मतलब जो हमने सॉल्व किया उसके तहत सीधा क्वेश्चन आंसर किया हमने, ठीक है। फिजिक्स के बंदे कितने हैं 100। What is the difference between the combined number of students who are interested in mathematics and English? कहते हैं difference निकालना, difference मतलब minus, math और English में total student कितने हैं, math में कितने थे 160, English में कितने 240, दोनों को अगर sum up करूंगा तो कितने हो जाएंगे, दोनों को अगर sum up करूंगा तो 400 हो जाएंगे। And the combined number of students who are interested in computer and physics, computer में हमारे पास कितने थे भाई 180 और फिजिक्स में हमारे पास कितने थे 100, इन दोनों का सम करेंगे 280 को अगर 400 में से माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 120। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको इसी तरह से सॉल्व करना है केसलेट डीआई को। इफ द रेशियो ऑफ बॉय स्टूडेंट आर हु आर इंटरेस्टेड इन फिजिक्स इज 3:2, What is the difference between the number of boy students or girl students who are interested in physics? Okay, ये क्या कह रहा है? यदि भौतिकी में मतलब फिजिक्स में अगर अनुपात है बॉय और गर्ल्स का अनुपात कितना दे रखा है 3:2, फिजिक्स में बॉय एंड गर्ल का अनुपात क्या दे रखा है 3:2, और फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालना, मतलब 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100, इनके दोनों में डिफरेंस कितना 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जी, बिल्कुल सिंपल था, डिफरेंस निकालना था नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु इंटरेस्टेड फिजिक्स रेशियो 3:2 और टोटल कितने हमारे पास 100 है, तो 20 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the average number of students who are interested in computer, English and chemistry? Computer में कितने बंदे थे 180, English में कितने थे 240, Chemistry में कितने थे 120। अब क्या करें, इनका average निकालो, तीनों को add करेंगे, तीनों को जब add करेंगे कितना हो जाएगा 540, 540 को किस से divide करेंगे, तीन बंदे तीन है, तीन डिपार्टमेंट है, तीन से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 180, 18 × 54, आंसर क्या आ जाएगा 180। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, ओके, 5 क्वेश्चन थे भाई, हमने सॉल्व कर लिए, इसी तरह से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये वाले होते हैं, आप सभी ने ये क्वेश्चन ट्राई करना है, ये एक प्री लेवल का डीआई है। आगे जो मेरी कोशिश रहेगी, मैं आपके लिए मेंस के एक डीआई 2 या 3 दिन में एक डीआई मैं मेंस का दिया करूं, जैसे इस बार आरआरबी में हुआ है, जो आईपीएस पीओ में जो मेमोरी बेस्ड होते हैं उनका मैं आपके पास सलूशन लेके आऊं और आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं और मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो आप इस डिफरेंस को फील करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।